आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एनएस गजभिये के ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर हुई छापामार कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। डॉक्टर को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में सुनाया फैसला। दो दोषियों को उम्र कैद की सजा और 5 बरी। बस स्टैंड तालाब के पास मिली 12 वर्षीय बच्चे की लाश, गुरुवार से था लापता। 31 मई को मनाया जाएगा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। देखिए सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एनएस गजभिये और 4 प्रोफेसर के घर पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की। ये छापामार कार्रवाई विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को लेकर हुई है। वहीं सीबीआई की टीम दिन भर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कागजों को खंगालती रही। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और 4 प्रोफेसरों के घर पर शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की। सीबीआई की टीम ने पूर्व कुलपति एनएस गजभिये के कानपुर के ठिकानों पर भी एक साथ छापा मारा। वहीं सागर आई टीम ने दोपहर तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कागजातों को खंगाला। दरअसल यह कार्रवाई डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर हुई। सीबीआई का यह छापा सुबह एक साथ पड़ा, जिसमें पूर्व कुलपति एनएस गजभिये के कानपुर स्थित मकान, सागर विश्वविद्यालय सहित अन्य ठिकानों पर कार्रवाई हुई। जानकारी के मुताबिक 2011 में पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों में भारी अनियमितताएं थी, जिसके चलते शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। सागर लोकायुक्त पुलिस ने जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर मिथिलेश चौबे को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। डॉक्टर ने यह रिश्वत एक मरीज से हर्निया के ऑपरेशन करने के एवज में मांगी थी। सागर जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर मिथिलेश चौबे को शुक्रवार की सुबह सागर लोकायुक्त पुलिस में 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनके सरकारी मकान में पकड़ा है। बंडा के रहने वाले पुनव पटेल पिछले 2 दिनों से हर्निया का ऑपरेशन करवाने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ऑपरेशन करने के एवज में पुनव से 10000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे। परेशान होकर पुनव ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की, जिसके बाद सुबह 7 बजे यह कार्रवाई हुई, जिसमें डॉक्टर मिथिलेश चौबे 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों घर गए। एक मिस्टर पुनव यादव है, ये चंदवा गांव के रहने वाले हैं। इनको अपनी हर्निया का ऑपरेशन करवाना था। इन्हें शिकायत की कि डॉक्टर मिथिलेश चौबे इनसे 10000 रुपए की मांग कर रहे हैं। कल इन्होंने शिकायत की, उसका सत्यापन कराया गया, शिकायत सही पाई गई। आज 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर मिथिलेश चौबे को पकड़ा गया। क्या कार्रवाई सर? 13(7)(13)(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। इस मामले में पुनव पटेल ने बताया कि डॉक्टर पैसे मांगने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद इनकी शिकायत लोकायुक्त से की। कनवा है बंडा तहसील, वहाँ के कहने थे हर्निया का ऑपरेशन करवाने के लिए जिला चिकित्सालय में आए। तो यहाँ हमें 4 दिन हुए, पूरी जाँच हुई, सब हुई और ऑपरेशन नहीं हुई। तो उनसे जब साथ में मिले तो वे कहने लगे कि 10000 रुपया तो होगा ना, नहीं होगा लगे लगे 10000 देखा जाए तो डॉक्टर चौबे लंबे समय से जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। वे शहर के जाने माने सीनियर सर्जन भी हैं। शुक्रवार की शाम पुरानी डफरिन अस्पताल के सामने तालाब में एक नाबालिग लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। पुरानी डफरिन अस्पताल के सामने तालाब में एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश तैरती हुई देखकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को बाहर निकालने व पंचनामा की कार्रवाई की। वहीं काफी देर तक मृतक की शिनाख्त की गई, लेकिन शुरुआत में कुछ पता नहीं चल पाया। दफन अस्पताल के सामने तालाब के किनारे अज्ञात लाश मिली है। कितने बजे मिली है? जी मिली है करीब 5:30 बजे। कहाँ की जानकारी? जानकारी यहाँ से वो है स्थानीय लोगों से। हाँ, स्थानीय लोगों से।
उधर कुछ देर बाद मृतक की शिनाख्त रवि पारासर के रूप में हुई, जो कि पावर हाउस के सामने रहता था। मिली जानकारी के मुताबिक रवि गुरुवार की दोपहर से लापता था। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर देखिए सागर टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। फिक्रों को धुएं में उड़ाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, दुनियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। नमस्कार, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश लेकर हाजिर हूँ मैं सुयश वाखले। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। धूम्रपान गुटखा चबाना सेहत के लिए हानिकारक है, आज हम सबको ये मालूम है, लेकिन बावजूद इसके हम में से कई लोग इसका सेवन करने से नहीं कतराते। आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सिगरेट और गुटखे के पैकेट पर लिखी ये चेतावनी, अक्सर इसे खाने और पीने वाले लोग ही इसे नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आज गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि के पैकेटों पर लिखी ये चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले हजारों लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। लगातार इन चीजों का सेवन करने वाले कैंसर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और जिसमें से बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके हम इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लेते। सड़कों पर पान की दुकान के आसपास, कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी बस स्टैंड पर, यहाँ वहाँ कहीं भी आपको कोई न कोई इन नशों में से एक का नशा करते मिल ही जाएगा। आज टीवी, बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापनों में भी आपको देखने और सुनने मिल जाएगा कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी नशा करने वाले इसे नहीं समझते और अपनी नासमझी में खुद और दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बनते हैं। दोनों ही बीड़ी और सिगरेट, ये दोनों ही धूम्रपान काफी ज्यादा हानिकारक हुआ करते हैं। ये काफी फेफड़े को डैमेज करते हैं। फेफड़े में इनका नुकसान जो है धीरे 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 करके काफ़ी लंबे समय में सामने आया करता है। यही एक वजह है जिसके की वजह से जो लोग इसको पी रहे होते हैं वो उनकी दलील होती है कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। एक तो इस बीड़ी पीने और या सिगरेट पीने वालों को हमेशा इस बात की दलील रहती है कि जो दूसरे लोग हैं, जो लोग इसको काफ़ी सालों से पी रहे हैं, वो अभी भी स्वस्थ हैं और उनकी जो दौड़ने की क्षमता या और जो काम करने की क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। ये जो क्षमता है वो धीरे 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 करके कम हुआ करती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता है कि जितने लोग भी बीड़ी या सिगरेट पी रहे होते हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएं। लेकिन इस बात का भी पता लगाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही नामुमकिन है कि कौन बीड़ी पी रहा है वो इस बीमारी का ग्रसित हो जाएगा और कौन बीड़ी नहीं पी रहा है वो इस बीमारी का ग्रसित हो जा सकता है। सागर टीवी न्यूज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर किसी भी प्रकार का नशा करने वाले लोगों से अपील करता है कि नशा ना करें, खुद स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की सलाह दें, क्योंकि जान है तो जहान है। शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर ये थी सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश। सागर टीवी न्यूज उन तमाम लोगों से अपील करता है जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं कि आज ही नशा छोड़ने का प्रण करें। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मधु के पास। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, दुनियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सुर्खी थाना क्षेत्र में 7 लोगों द्वारा 2 जून 2011 को की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें 7 आरोपियों में से 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। सुर्खी थाना क्षेत्र के बक्सवा गाँव में 2 जून 2011 की शाम 7 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला सत्र न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने 7 आरोपियों में से 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 5 आरोपियों को कोर्ट में सपूत न होने पर बरी कर दिया है। सुर्खी थाना क्षेत्र में हुई शिकायत के मुताबिक मृतक दुर्ग सिंह गाँव के ही पंचू पटेल के साथ अपने घर जा रहा था,
तभी रास्ते में जीवनलाल रामचरण पटेल और अन्य 5 लोगों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वही मामला तब से कोर्ट में था और सुनवाई चल रही थी। वही कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी देते हुए शासकीय एडवोकेट राम अवतार ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जीवन पटेल और रामचरण पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि सुधामा मिट्टू, बाबूलाल गुड्डू और नंद किशोर और कैलाश पटेल को बरी कर दिया है। ग्राम दिनांक 2/6/2011 को पुरानी बुराई के ऊपर से पूरक सिंह नावक व्यक्ति के साथ में जीवन एवं रामचरण द्वारा पुरानी एवं अटम से एवं अन्य 5 अभियुक्तों द्वारा मारपीट करना काफी इंग्लिश को सुनने लगे। इस मामले में धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोपी युक्तों को आरोप तय किया गया था। विचारण के दौरान 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा जीवन एवं रामचरण धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थ। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं सूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की सूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नस्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मर कैजुअल एवं पार्टी वियर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रूपए में 50 ग्राम, 5 रूपए में 110 ग्राम, 10 रूपए में 225 ग्राम, मात्र 20 रूपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर बाग केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582286244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार की दोपहर जरुआखेड़ा ठाकुर बाबा मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे खुरई थाना क्षेत्र के जरुआखेड़ा में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक राजू यादव व गोविंद यादव अपने गांव मंडी बामोरा से जरुआखेड़ा ठाकुर बाबा मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और घायल प्रहलाद और दीपक बंसल जरुआखेड़ा से भाटनी अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी अचानक रेलवे क्रॉसिंग के पास दोनों की टक्कर हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान राजू यादव की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन मानसिंह यादव ने बताया कि करीब 2 बजे फोन से जानकारी मिली कि राजू और गोविंद का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद सीधे जिला अस्पताल आए, जहां राजू को मृत अवस्था में पाया। आमदे सामदे गाड़ी की टक्कर हो गई है। जे लोग जड़ुआ खेड़ा मंदिर आ रहे थे प्रसाद चढ़ाने। कौन कौन? राजू यादव और गोविंद सिंह यादव। तो किस जगह पे हुआ है? ये जड़ुआ खेड़ा के नीचे जंगल में। कितने बजे की घटना है? ये घटना है 2:30 बजे। और जो मृतक है उनका क्या नाम है? राजू यादव।
वहीं इस संबंध में घायल प्रहलाद सिंह ने बताया कि जरुआ खेड़ा से भाटनी जा रहे थे, तभी सामने से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हम इधर से घर जा रहे थे, किस जगह? भाटनी जा रहे थे, इस गाड़ी में गाड़ी टक्कर हुई। किस जगह पे? ये ठाकुर बाबा की। किस किस को चोट आई? हमको और दीपक। दूसरी गाड़ी कौन? वो ग्राइंडर, ये भी नहीं आ गई, खत्म हो गया। जरुआखेड़ा के पास हुई इस सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शहर की पीलीकोटी घाटी पर आए दिन राजघाट पाइपलाइन में लीकेज होता रहता है, जिसका पानी पूरी रोड पर बहता रहता है और हजारों गैलन पानी यूं ही बर्बाद होता है। वहीं रास्ते से निकलने वाले राहगीर भी परेशान होते हैं। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पीलीकोटी रोड की, जहाँ आए दिन राजघाट की पाइपलाइन में लीकेज होता रहता है और इसका हजारों गैलन पानी रोड पर बहता रहता है। जानकारी के अनुसार ये लीकेज इस रोड से निकलने वाले हैवी वाहन के कारण होता है। अभी कुछ दिनों पहले भी इस रोड पर एक लीकेज हो गया था, जिसमें नगर निगम द्वारा सुधार कार्य किया गया था, लेकिन दो दिन बाद ही उसी लीकेज के पास एक दूसरा लीकेज हो गया, जिसका सुधार कार्य शुक्रवार को नगर निगम द्वारा किया गया। वहीं इस संबंध में एक राहगीर ने बताया कि इस मार्ग पर हमेशा ही लीकेज के कारण पानी बहता रहता है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, यहाँ पे आए दिन गड्ढे होते रहते हैं, नगर निगम यहाँ पे कोई वो नहीं दे रही है वगैरह, तो आए दिन पानी निकलता रहता है, राहगीरों के लिए परेशानी होती है। पहले यहाँ से लेके आप अगर जमरी पर नजर डालिए, वहाँ पर सारी जगह पर आपको पानी पानी नजर आएगा, राहगीरों के लिए पूरा सबक बना हुआ है। कब से है ये समस्या? ये तो आए दिन होता रहता है, आज बंद ही रहता। देखा जाए तो शहर के कई क्षेत्रों में राजघाट पाइपलाइन में लीकेज है, जिनके कारण हजारों गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। अगर इन लीकेजों में नगर निगम सुधार कार्य करा दे तो ये पानी बर्बाद होने से बच जाएगा। शुक्रवार की सुबह 11 बजे सुर्खी थाना क्षेत्र के गटेरी नदी में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। सुर्खी थाना क्षेत्र के दिदौरिया गांव में शुक्रवार की सुबह नहाने गए एक 11 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। सुबह करीब 11 बजे 11 साल के हेमंत गौड़ की स्थानीय गटेरी नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्चा नहाने गया था, जहां वो डूब गया। घटना पानी में डूब। किस गाँव की घटना है? दिदौरिया। क्या करने गया था? पानी हारे गए थे नहाने। कितने बजे की बात है? 11 बजे। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? बच्चे आ तो नहीं। फोन छोटा सा कैबिन। फिर आप लोग गए? फिर गए, देखो वाले रिपोर्ट क्यों आए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर लिया है। नगर निगम के कामगारों ने शुक्रवार को 10 सूत्रीय मांग को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 15 दिन के अंदर निराकरण करने की बात कही है। नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन समस्याओं के निराकरण को लेकर है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भोला प्रसाद करोसिया ने बताया कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा नगर शाखा के तत्वावधान में सफाई कामगारों की समस्याओं के निराकरण को लेकर कर्मचारी संघ ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण करने की बात कही गई है। कर्मचारी संघ की मांग है कि आयुक्त उनकी समस्याओं का निराकरण 15 दिन के अंदर करें। मांगे पूरी न होने पर संघ कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय धरने पर बैठेगा। ये सफाई कामगारों के संबंध में ज्ञापन दिया है, ये कुछ 15-20 मांगे हैं, 12 मांगे हैं, 12 मांगों के लिए। उसके संबंध में ज्यादातर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए 100% महिलाओं के विषय में है, वो महंगाई कैरियर के विषय में है, और जो बहुत सी ये समस्या, ये हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। हम आयुक्त महोदय से निवेदन करते हैं, इस पर जरूर एक्शन लिया जाए और ये इन लोगों के लिए ट्राली को भेजा जाए, देखो ट्रालियों पर भेजा जाए और जो हमारी समस्या है उनका भी निदान किया जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। और अगर इस पर समस्या का निदान नहीं होता है तो हम लोग कलेक्टर महोदय के निवास पर एक दिवस धरना देंगे। सानोदा थाना क्षेत्र के परसौरिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सानोदा थाना क्षेत्र के परसौरिया और नया खेड़ा गांव के बीच एक दो पहिया वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो जाने से 3 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की है, जिसमें 28 वर्षीय दीपक कुमार भारती, 16 वर्षीय सुनानी भारती और 14 वर्षीय सुनैना घायल हो गए।
जिन्हें स्थानीय निवासियों ने 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल दीपक भारती ने बताया कि वह दमोह के नया बाजार का निवासी है। वह खुराई से लौट रहा था, तभी इंडियन ढाबा के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। फिलहाल जिला अस्पताल में तीनों घायलों का इलाज चल रहा है और तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। जिला पर्यटन विकास को बढ़ावा देने और खेलों के विकास को लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर योगेंद्र शर्मा ने की। सांसद लक्ष्मी नारायण यादव भी बैठक में उपस्थित थे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास परिषद की बैठक हुई। बैठक में सांसद लक्ष्मी नारायण यादव उपस्थित थे। इस बैठक का विषय जिले में साहसिक खेलों और पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिले के गढ़पहरा, धामोनी, रानीगिर, राहतगढ़ जलप्रपात, 64 योगनी, एरन, आपचंद्र की गुफाएं और नौरा देवी अभ्यावरण को पर्यावरण महत्व की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। तो वहीं पहली कड़ी में आपचंद्र व धामोनी में पर्यटन विकास निगम योजना तैयार की जाएगी। इसी प्रकार वन विभाग राहतगढ़ जलप्रपात और नौरा देवी अभ्यारण्य में पर्यटन की दृष्टि से निर्माण योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि नगर निगम सागर द्वारा सागर तालाब में बोटिंग और खेल गतिविधियों को संचालित करने की योजना MIC में प्रस्तावित है। कलेक्टर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि टूरिज्म विकास निगम द्वारा सागर तालाब के चकरा घाट और संजय ड्राइव में घाट व जैकी निर्माण कराने के लिए 1,23,00,000 रुपए दिए जाएंगे। बैठक में सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने पर्यटकों को बुलाने के लिए बड़ी हवाई जहाज उतारने की व्यवस्थाएं भी जुटाने की आवश्यकता व्यक्त की है, जिसके लिए उन्होंने हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाए जाने की दीर्घकालीन योजनाएं बनाए जाने पर बल दिया है। नौतपा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सूरज का कहर भी बढ़ता जा रहा है। घरों को ठंडा रखने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे नौतपा आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सूरज का कहर भी बढ़ता ही जा रहा है। सुबह पहली किरण से ही सूरज के तीखेपन का एहसास होने लगता है। लोग सुबह से ही घरों को ठंडा रखने के लिए कूलर पंखे चला रहे हैं। सड़कों पर भी सूनापन देखा गया। इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर नजर आए तो दोपहर होते होते आसमान में बादलों की आवाजाही से जहां लू के थपेड़ों से राहत मिली, वहीं उमस ने परेशानी खड़ी कर दी। अब एक नजर शहर के दिन भर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आर्द्रता 9% रही तो शाम होते होते 28% रह गई, तो वहीं हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती रही। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसे भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात 24 घंटे पूरे सप्ताह। हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155।